अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, आज के लेक्चर में कंप्यूटर चैप्टर नंबर 5, इसके क्वेश्चन नंबर 17 to 18 जो है वो उसका रिव्यू करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? ठीक है, इट इज़ अ ट्रांसलेटर। अ ट्रांसलेटर सच एज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को एज अ ट्रांसलेटर इसने शो किया है। A translator such as a computer is needed to translate high level language into the machine language. अब ये computer क्या करता है, ये high level language को machine language में translate करता है, okay? Compiler क्या है? Computer जो है वो उसको जरूरत होती है high level language is converted into the machine level language is called compiler, okay? Next question is define programming and write the names of systematic procedure of writing a program. Program को define करना है और इसके name systematic procedure program को okay, को write करने के आपने procedure के steps write करने हैं, okay? So what is programming? Programming is a process of writing the process of creating and writing. आप प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है कि राइटिंग करना, प्रोसेस ऑफ राइटिंग आप इसमें राइट कर सकती हो, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग जिसमें आप क्रिएटिविटी अपनी राइट कर सकती हो, एंड क्रिएट राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। अब इसके प्रोसीजर्स क्या हैं? प्रोसीजर्स टू राइट द प्रोग्राम इज नंबर 1 एनालाइज द प्रॉब्लम। सब इसके प्रोसीजर कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसमें आप प्रोग्राम को राइट करते हैं, इसमें एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को, एनालाइज द प्रॉब्लम। सेकंड इज द डिज़ाइन द प्रोग्राम। प्रोग्राम को आप डिज़ाइन करते हैं कि प्रॉब्लम को किस डिज़ाइन से आपने उसको सॉल्व करना है। थर्ड जो पॉइंट है डेट इज़ द राइट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को राइट करना है। फोर्थ नंबर पे डॉक्यूमेंट्स एंड मेंटेन द प्रोग्राम। ओके, इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 5 का मॉडल एटम जो है वो सेकंड इज कंप्लीटेड। ओके, हैव यू राइट द लेक्चर? यस।